Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. Today we have a very special guest in our studio who has marked his glorious achievement in the recent Haryana Judicial Services exam. Ambition Law Institute wishes a very heartiest congratulations to Mr. Jitesh Sharma, who has secured 20th rank in Haryana Judicial Services exam. Welcome Jitesh and congratulations. Thank you sir, thank you very much. And I would like to thank whole of the Ambition team. Very welcome. And Jitesh, आप ये बताओ, आपको legal arena में ही career बनाने के लिए क्या motivate किया कि आप इस तरह से आगे बढ़े? आप एक life की तरफ जानने की हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा. Can you please? Actually, मेरी schooling sir फरीदाबाद से हुई है. Usually school days में मैं school से जब मैं courts आ जाता था, तो कई बार जब पापा मेरे advocate हैं district court में, तो मैं उनके साथ कई बार courts room visit कर लेता था. तो कोर्ट्स रूम में सबसे पहले क्या कि मैं ये बताऊं कि एक ही चीज़ देखता था और वो थी जज की पोजीशन. उनकी जो उस कोर्ट रूम में डिग्निटी थी, रिस्पेक्ट थी, अप्रोच थी, वो डिविनिटी थी, वो शायद किसी और ऑफिस से अटैच हो. तो वहाँ से सबसे पहला मेरे को ये लगा कि मेरे को लीगल फील्ड में जाना चाहिए, लॉ करना चाहिए. और उसके बाद देन फिर जुडिशरी का मैंने सोचा था कि अब करना है तो यही करना है. मीन्स यू हैव मेड अप योर माइंड कि स्टार्टिंग से कि मुझे लॉ के फील्ड में ही जाना है. ये स्टार्टिंग से ही ये बना के टाइम से हो गया था. तो मतलब बचपन से ही एक वो एक दिमाग में बैठ गई थी इमेज कि मुझे इसी फील्ड में ही जाना है. हाँ जी. एंड स्कूल के टाइम में व्हेन यू हैव मेड अप योर माइंड कि मुझे जज की तरह बनना है, एग्जैक्ट व्हाट मोमेंट? दैट्स कि कई बार होता क्या था कि जैसे फंक्शंस होते थे तो टीचर्स यूजली कह देते कि मतलब आप गुड लिसनर हो, एक आप में एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप सही डिसीजन ले सकते हो. तो वहाँ से उन सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए कि जब थर्ड पर्सन कोई आपके बारे में ये चीज़ कह रहा हो, प्रेज कर रहा हो, तो वो ऐसे ही तो नहीं कह रहा है, कुछ तो होगा ही. उसके बाद कोर्स रूम में सारी चीज़ें देखना, तो लग गया कि हाँ कि अगर करियर है और इससे बड़ी कोई ऑफिस हो भी नहीं सकता, तो फिर जज तो बनना ही था. और फिर वहीं से हमारा स्ट्रगल और वहीं से फिर मेहनत शुरू हुई. ट्वेल्थ के बाद फिर स्कूलिंग आपकी बेसिकली कहाँ से हुई? दिल्ली से हुई, फरीदाबाद से, या कहाँ से? यूनिवर्सिटीज क्या रही? मेरी स्कूलिंग 10th और 12th मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 17 फरीदाबाद से ही हुई है. अच्छा. हाँ जी. उसके बाद 12th के बाद फिर मैंने BLLB परस्यू करा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से. ओके. 5 ईयर प्रोफेशनल कोर्स था, ऑनर्स का कोर्स. देन अभी 2019 में ही मैंने वो कंप्लीट करा है. उसके बाद जस्ट दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? या दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट्स वंडरफुल. यस, थैंक यू सर. देन उसके बाद फिर देन 2020 में मैंने एम्बिशन को ज्वाइन करा, ऑनलाइन कोर्स को. सर की गाइडेंस मिली, विजय सर का पूरा सपोर्ट मिला, टेस्ट सीरीज, मटीरियल्स, बेयर एक्ट्स, इवेल्यूएशन, आंसर सीट्स, मेंस राइटिंग, सारा कुछ सर ने बहुत मतलब अच्छे तरीके से, एक जैसे पेरेंट्स केयर करते हैं अपने चिल्ड्रंस की कि भाई ऐसा करो, डिसिप्लिन में रहो, ये चीज़ करो, तो वही चीज़ एम्बिशन में आगे भी मिली. यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा लगा कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्कूल नहीं चल के एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट चल रहा है और हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से, तो वो चीज़ भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करती है मेरी सक्सेस में. और भी जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह और अवेलेबल्स हैं और जहाँ पर भी आप देखेंगे और भी चीज़ें रहती हैं, तो यूनिवर्सिटी जब आपने कंप्लीट किया तो आपको क्या क्या लगा कि प्रिपरेशन करने के लिए हमें कहीं ज्वाइन करना चाहिए, और फिर इसके बाद एम्बिशन आपने ज्वाइन किया, कैसे, क्या स्टोरी थी उसके पीछे? हाँ, एक्चुअली यूनिवर्सिटी में यूजुअली होता क्या है कि उस लेवल की पढ़ाई करवाते नहीं है कि कोई जुडिशरी क्रैक कर सकता हो. वहाँ यूजुअली वही सिलेबस चलता है, सिलेबस का ओवरव्यू दे देते हैं टीचर्स और प्रोफेसर्स, और वो इतने इंटरेस्टेड होते भी नहीं है कई बार. तो कहीं ना कहीं एक ऐसी गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगती है कि जो प्रॉपर देखे, इवेल्यूएट करे, हमारी गलतियों को बताए. अब वो सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर टीचर में, एक इंस्टीट्यूट में मिलना कहीं और पॉसिबल था नहीं. मेरे और विजय सर के बहुत अच्छे रिलेशन से पहले से थे, तो कहीं और जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था. और मैंने विजय सर से फिर कांटेक्ट करा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, जुडिशरी तो करनी ही है, ये तो मेरा पहला ही एम है. तो विजय सर ने कहा ठीक है, आप आ जाओ, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, फुल सपोर्ट मैं करूँगा आपको, सर की गाइडेंस लो. तो जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा करा. उसके बाद सारी गाइडेंस और सारी चीज़ फिर मैंने उनकी वजह से करता गया. और ओके, यू आर द स्कॉलर ऑफ ऑनलाइन बैच. यस.
ओके दैट्स वंडरफुल एंड यू हैव जस्ट कंप्लीटेड. तो पंक्चुअलिटी, अगर जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी रहती हैं इससे रिलेटेड, पंक्चुअलिटी क्या मतलब स्ट्रगल्स आपको फेस करनी पड़ी इन चीज़ों को लेकर, और कैसे आपने इन चीज़ों को मैनेज किया इवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस? एंड दैट्स वेरी गुड टू सी कि आपने ऑनलाइन उसे गाइडेंस को भी लेकर आगे काम किया एंड यू आर हियर टुडे सक्सेस, अचीव सक्सेस ऑन दिस जर्नी. तो आप बताओ उसके बारे में क्या. सर जैसा कहते हैं कि हर एक पर्सन में कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, कुछ उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी होती हैं. तो मैं शायद पर्सनली ये मानता हूँ और शायद और भी मानते होंगे कि मैं पंक्चुअल बहुत हूँ टाइम को लेकर. अगर ये चीज़ है, ऑनलाइन मैंने कोर्स लिया था तो अगर उसमें ये है कि ये क्लास इतने टाइम पर होनी है तो मेरे को वो क्लास होती ना टाइम पर ही देखनी है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं मेरे को. मैं कभी भी पेंडिंग क्लासेस नहीं रखता था कि आज की क्लास मैं छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, या मैं कल की या दोनों साथ देख लूँगा, तो वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाएगी. पेंडेंसी इंक्रीज़ होती जाएगी, बर्डन आ जाएगा, और बर्डन आने पर ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी फिर कि हमें ये लगना लगेगा कि यार अब तो बहुत बर्डन हो चुका है, शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए क्लियर करना. तो अगर पंक्चुअलिटी लाइफ में नहीं आएगी तो वो चीज़ गलत है. तो पंक्चुअलिटी को अगर कोर्स से देखा जाए, रेगुलर लेक्चर्स से और टेस्ट सीरीज और आंसर शीट से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है और सक्सेस को वही लाती है. आप इसमें जो टाइम मैनेजमेंट और बाकी एक स्टडी का तरीका है कितना रोल प्ले करते हैं, एंड मीन्स जो एम्बिशन का रोल था अगर आपके इसमें, तो कैसे क्या रहा कि जो आप इन इन चीज़ों को एक स्टिपुलेटेड टाइम में कर पाए और एक बेहतर तरीके से आपने आज ये रिजल्ट लेकर आए हैं? टाइम मैनेजमेंट का तो सर हरियाणा जुडिशियल सर्विस में बहुत बड़ा रोल है. हरियाणा जुडिशियल सर्विस के मेंस के 5 थ्योरी के पेपर्स होते हैं मेंस में, और उनमें से 2 पेपर्स होते हैं पर डे, मॉर्निंग में आफ्टरनून, मॉर्निंग आफ्टरनून. तो बहुत एग्जॉस्टिव थिंग है कि 3-3 घंटे में आप थ्योरी पेपर्स लिख रहे हो और उनमें से भी पेपर्स में आपको अराउंड एक पेपर में 28-30 क्वेश्चंस और कई बार 30 क्वेश्चंस से ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं. तो उस तरीके से आपको अपनी स्पीड मेंटेन करना, टाइम मैनेजमेंट, अगर आपका पेपर कहीं छूटा तो आप आउट हो जाओगे, आप ना तो सक्सेस हो पाओगे ना आपका कंट्रीब्यूट कहीं पे कर पाओगे. तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए एम्बिशन में रेगुलरली टेस्ट देना, मेंस लिखने, उन्हें मैंने फिर आंसर शीट्स को मेल करना, उन्हें वैल्यूएट करके यहाँ से भेजना, मेरी गलतियों को बताना, एनालिसिस देना, उससे मेरे को अच्छा मतलब रेगुलर मैं करता था, मेरी स्पीड इंक्रीज होती गई, टाइम बाउंड मैनर में मेरे एग्जाम्स खत्म, पेपर खत्म होते गए. तो मेरे को बहुत मतलब वहाँ से हेल्प मिली है, सपोर्ट मिली है, जिसकी वजह से मैंने अपने सारे पेपर्स टाइमली बाउंड मैनर में कंप्लीट करे हैं. अभी जैसे सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को इश्यूज होते हैं पढ़ने में, जैसे लीगल लैंग्वेज एंड ऑल की, तो आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते थे? एक सबसे बड़ा, अगर मैं जितने भी लोग देख भी रहे होंगे उन सबसे, उनका भी ये जनरल क्वेश्चन होता है कि अगर आप बेयर एक्ट्स वगैरह पढ़ते हो या भी कुछ करते हो, उन चीज़ों को याद कर पाने या उनको समझना, आपने उसको कैसे मैनेज किया? सर बेयर एक्ट्स को समझना, पहली बार जब मैंने बेयर एक्ट्स पढ़े थे तो मेरे को लगा था हाँ ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट टास्क ज़रूर होगा. धीरे धीरे मैंने बेयर एक्ट्स 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, और अल्टीमेटली अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने एक एक बेयर एक्ट्स को 20 बार पढ़ा है. और उन बेयर एक्ट्स को भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. बेयर एक्ट्स में मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकि अगर मैं कितनी भी बार आगे रिवीजन करूं तो मेरे को वो सारी लाइनें ना पढ़नी पड़े दोबारा. एक ब्रीफ मैनर बनाया है मैंने उनका. कई बार लीगल वर्ड्स आ जाते हैं, लीगल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, तो मेरे फादर एडवोकेट हैं तो मैंने उनकी भी बहुत हेल्प ली है कि अगर मेरे को कहीं समझ नहीं आ रहा है तो मैंने शाम को इवनिंग में मैंने पापा के पास बैठा तो उन्होंने कुछ समझाया. कुछ प्रोविजंस ऐसे आ जाते हैं कि जो थ्योरेटिकल अलग हैं थोड़े प्रैक्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, तो मैंने उनके डिफरेंस को समझा कि अगर ये होगा तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, इनका कुछ और रेमेडी भी हो सकती है नहीं हो सकती है. लिंकेज लॉज की बहुत ज़रूरी थी कि केवल बेयर एक्ट्स तक ही हम ना रहें, उन्हें हम दूसरे लॉज के साथ, दूसरे एक्ट्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज़रूर हम लिंक करें, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये सिर्फ बेयर एक्ट जानता है, बिल्कुल इसको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता है. और अगर वहीं दूसरा कोई स्टूडेंट उसे कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर रहा है तो वो आगे जाएगा, उसे मार्क्स मिलेंगे. और फिर एम्बिशन के नोट्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, वो अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट है. उन्होंने पहले ही ब्रीफ में दिया हुआ है सब कुछ, और उतना ही दिया गया है जो मेन चीज़ है. हाँ, ये तो एक जो है, जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो सबसे बड़ा की फैक्टर ये होता है उसमें. अगर जनरल तौर पे देखा जाए तो एक जो एक वे मिलता है हमें, शेप मिलता है, वो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्रूटफुल
होता ही होता है। यस नहीं, तो बेसिकली आपको इतने टाइम पीरियड में आपको क्या लगा कि हमारी ये वीकनेस थी जो एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या मेरी स्ट्रेंथ थी जो और ही स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए? स्ट्रेंथ की अगर बात बताऊं तो सर, सबसे पहले मैं सेल्फ मोटिवेटेड था। ओके बच्चों को ये लगता है कि हमें मोटिवेशन के लिए यूट्यूब वीडियोस देख लेनी चाहिए, हमें किसी के इंटरव्यूज़ पढ़ लेने चाहिए, या हमें कोई दूसरा बंदा कहीं से तीसरा मोटिवेट करने के लिए आए। तो मैं शायद ये अपनी पर्सनली ये मानता हूँ कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड ही रहा हूँ। अच्छा मैं, हाँ ये है कि मैंने ज़रूर देखी है यूट्यूब की वीडियोस, पर मेरे को ये चीज़ पता था कि मेरे को कहीं पर भी डीमोटिवेट नहीं होना है। मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ा गोल था जो मेरे को क्लियर करना है, इसके लिए मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को। ओके टाइम टू टाइम अगर मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो भी रही है कभी, तो उसने आगे संभाला, कहता ठीक है हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, अगर मैं अनसक्सेसफुल रहा हूँ तो कहेगा कि आगे सक्सेसफुल होंगे, तो ये चीज़ रही है। तो हु इज योर आइडियल पर्सन इसके पीछे? अगर मैं आइडियल पर्सन की बात करूँ तो मेरे भाई हैं, बड़े भाई। दैट्स रियली नाइस। उन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले करा है मेरी सक्सेस में। हाँ जी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, की गाइडेंस, इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ी गाइडेंस घर पर ही खुद मॉक ले लेना। अगर एग्ज़ाम लिखने की बात की जाए बेसिकली, तो आपको जैसे एग्ज़ाम लिखते वक्त मीडियम का आपको क्या लगा कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम का क्या रोल उसमें रहा? आपको क्या लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चों का है, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस आता है चीज़ों को लिखने में? आपको क्या स्ट्रगल हुआ वो चीज़ आप अगर बताएं तो बेहतर रहेगा। सर मीडियम रोल प्ले करता है, पर जहाँ तक हरियाणा जुडिशियल सर्विस की बात है तो इसमें एक ही मीडियम है इंग्लिश, इसमें आप हिंदी नहीं कर सकते हो। पर हाँ डिफरेंट स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी, तो उनमें आप हिंदी मीडियम्स का भी आपके पास ऑप्शन है। डिफरेंस कई बार मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व करा है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं, आपको आता है, तो थोड़ा स्पीड का डिफरेंस आता है। कई बार हिंदी लिखने में हमारी उतनी स्पीड होती नहीं है जितना कि इंग्लिश में ईजी होता है, क्योंकि हिंदी में कहीं पर लाइन डालना है आपको, कहीं पर बिंदी लगानी है, कहीं पर कुछ करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है। इंग्लिश में आपको सिंपली वर्ड्स लिखने होते हैं, वर्ड्स बनाकर, तो उसमें इतना टाइम जाता नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट में इंग्लिश और मीडियम्स का बहुत बड़े कनेक्शन है, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, मैंने ये देखा हुआ है। बट हरियाणा की बात है तो हरियाणा में मीडियम तो केवल इंग्लिश ही है, तो इतना कुछ खास हरियाणा में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जो बंदे दूसरी स्टेट्स के लिए कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, तो उन्हें खुद ये सोचना चाहिए कि उनका मीडियम क्या है, मतलब उन्हें क्या सही रहेगा। क्या वो हिंदी बेटर ऑप्ट कर पाएंगे, उसमें क्या बेटर वो लिख पाएंगे, स्पीड बना पाएंगे, या इंग्लिश में है, तो उन्हें खुद ये पर्सनली देखना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। तो आपका हमेशा से क्या एक ही टारगेट रहा हरियाणा जुडिशरी की, या यू आर लुकिंग फॉर अदर पर्सपेक्टिव्स आल्सो? मेरा सर एक्चुअली टारगेट तो हरियाणा जुडिशरी ही रहा है शुरू से। ओके क्योंकि एक तो ये कि मेरी ये होम स्टेट है, दूसरा मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो हरियाणा बेस्ड पैटर्न पर ही स्टार्टिंग से पढ़ाई करना, उसी के सिलेबस को बार बार रिवाइज करना, और उसी के पैटर्न्स पर आंसर लिखने, ये मेरा वाज इजी फॉर यू टू गो विद द हरियाणा जुडिशरी। हाँ बट मैंने प्रीवियसली मैंने अटेम्प्ट्स भी दूसरी स्टेट्स के दिए हुए हैं। ओके हाँ जी, मैंने राजस्थान का दो बार अटेम्प्ट दिया हुआ है, और अपियरिंग में था, मैं फिफ्थ ईयर में था उस टाइम पे जब मैंने राजस्थान का दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू में उतने मार्क्स नहीं ला पाया, तो इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। ओके मींस दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन हरियाणा जुडिशरी? यस दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके 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 सो एनी सजेशंस फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल हु आर वॉचिंग अस? मेरा इतना सा सजेशन है कि कंसिस्टेंट रहो, हार्डवर्क करो, क्योंकि हार्डवर्क का कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी रिवीजन होती रहेगी, आप भूलोगे नहीं। कई बार होता क्या है कि हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा, दूसरा उठाया, जब हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हम पहला वाला सब्जेक्ट भूल गए हैं। वो कंसिस्टेंसी से ही आएगा। अगर हम दो दिन 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं और थर्ड डे हम कुछ भी नहीं करते या एक ही घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो सब वेस्ट हो जाता है हमारा। मीन्स द मंत्र ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। इज कंसिस्टेंसी, और पंक्चुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है। आप टाइम की रिस्पेक्ट करें। ओके आप अगर आपको ये है कि मेरे को ये पर्टिकुलर आंसर राइटिंग करनी है 2 घंटे आज, एक पेपर सॉल्व करना है 3 घंटे का मेरे को लगा के, तो मेरे को वो करना है आज, मैं कल पर पेंडिंग नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को आज ये नहीं करना है।
That's really a nice suggestion to students. And to whom would you like to give the credit for your success? सर जो अगर क्रेडिट की बात करी जाए तो मेरे एफर्ट्स तो शायद बहुत मतलब छोटे पड़ जाएं क्रेडिट मतलब सक्सेस के लिए. जो एफर्ट्स हैं वो मेरे भाई के हैं सबसे ज़्यादा. एफर्ट्स हैं एम्बिशन इंस्टीट्यूट के हैं. एफर्ट्स हैं आलोक सर के हैं जिन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करी, जिन्होंने अपने टेस्ट नोट्स सारी टेस्ट सीरीज का इवेल्यूएशन करके दिया. एफर्ट्स विजय सर के हैं जिन्होंने एक मतलब हर समय सपोर्ट रखा. और पेरेंट्स का तो कंट्रीब्यूशन ऐसा रहता है कि शायद अगर वो हम बोल भी दें तो भी नहीं हो सकता. और भगवान तो सबसे ऊपर है तो उनके बिना तो होगा नहीं कुछ. तो ये मतलब क्रेडिट मैं सबको दे सकता हूँ और सबको देना भी चाहूँगा क्योंकि मेरे अकेले का कुछ है नहीं, ये सबकी सक्सेस है. इसलिए Hello, it was very nice to have you here and once again congratulations. Thank and you, sir. We wish you a very happy Diwali. Aapko bhi sir, happy Diwali same to you and to all the Ambition family. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you to all team Ambition.